तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सिस डायरेक्ट और अपस्टॉक के कंपैरिजन के बारे में जानेंगे। दोस्तों यहां पे मार्जिन, ब्रोकरेज, हिडन चार्जेस, अदर ऑफर्स, रेटिंग्स और कस्टमर बेस का कंपेयर करेंगे हम एक्सिस डायरेक्ट और अपस्टॉक के बीच में, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि कौन सा ब्रोकर है ये आपके लिए सही है मार्जिन और ब्रोकरेज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और कस्टमर सपोर्ट के मामले में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस डायरेक्ट और अपस्टॉक के चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे एक्सिस डायरेक्ट है वो अकाउंट ओपनिंग फ्री दे रहा है, तो यहाँ पे अपस्टॉक भी फ्री दे रहा है। एक्सिस डायरेक्ट ब्रोकरेज एमसी चार्जेस वो फ्री दे रहा है, तो यहाँ पे अपस्टॉक भी फ्री दे रहा है। एक्सिस डायरेक्ट डीमैट एमसी चार्जेस 650 रुपीज ले रहा है, तो यहाँ पे अपस्टॉक है वो पहले साल 0, दूसरे साल 400 रुपये ले रहा है। एक्सिस डायरेक्ट मिनिमम ब्रोकरेज 20 रुपया पर ट्रेड ले रहा है, अपस्टॉक मिनिमम ब्रोकरेज 0.5% ले रहा है, यानी कि 5 पैसे ले रहा है। ब्रोकरेज प्लान की बात करें तो डिलीवरी ब्रोकरेज एक्सिस डायरेक्ट की 50% है, तो अपस्टॉक की भी 50% है, यानी कि डिलीवरी ब्रोकरेज के मामले में दोनों ब्रोकर सिमिलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और सिमिलर चार्ज दे रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरडे में एक्सिस डायरेक्ट 0.5% ले रहा है, तो यहाँ पे अपस्टॉक भी 0.5% बोथ साइड ले रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर की बात करें तो एक्सिस डायरेक्ट 0.5% ले रहा है, तो अपस्टॉक भी यहाँ पे 0.5% बोथ साइड ले रहा है। एक्सिस डायरेक्ट और अपस्टॉक के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 0.01 पैसा ले रहा है और कैरी फॉरवर्ड पर 10 पैसा ले रहा है एक्सिस डायरेक्ट। यहाँ पे 100 रुपीज अपस्टॉक ले रहा है। कॉल करके ट्रेडिंग करेंगे अब तो 20 रुपया एक्सिस डायरेक्ट ले रहा है, अपस्टॉक कॉल करके ट्रेडिंग ले रहे हो तो 20 रुपया प्लस GST ले रहा है। यहाँ पे एक्सिस डायरेक्ट DP चार्जेस 5 रुपया सर्टिफिकेट और 50 रुपया रिक्वेस्ट पर ले रहा है। डीमैट चार्जेस अपस्टॉक 10 रुपया ले रहा है। एक्सिस स्टेटमेंट चार्जेस 100 रुपये ले रहा है, तो अपस्टॉक MMC चार्जेस 29 रुपये ले रहा है। यहाँ पे की ऑफर्स की बात करें तो यहाँ पे 3-in-1 अकाउंट अवेलेबल नहीं है एक्सिस डायरेक्ट के और अपस्टॉक पे भी नहीं है। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की बात करें तो एक्सिस डायरेक्ट दे रहा है, अपस्टॉक है वो भी मार्जिन फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। NRI सेल ट्रेडिंग सर्विसेज एक्सिस डायरेक्ट और अपस्टॉक दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। अब दोस्तों दोनों ब्रोकरों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस डायरेक्ट के पास डायरेक्ट ट्रेड टर्मिनल है, एक्सिस डायरेक्ट वेब एप्लीकेशन है, एक्सिस डायरेक्ट एप्लीकेशन भी है। अपस्टॉक के पास यहाँ पे ओरियन लाइट वेब एप्लीकेशन है और मोबाइल एप्लीकेशन भी अपस्टॉक की अवेलेबल है। मार्जिन एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस डायरेक्ट है वो 1 गुना दे रहा है डिलीवरी में, और यहाँ पे अपस्टॉक है वो डिलीवरी में 0 मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे इंट्राडे की बात करें तो 5 गुना दे रहा है अपस्टॉक, और डायरेक्ट है वो 10 गुना दे रहा है। और फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस डायरेक्ट 0 दे रहा है, अपस्टॉक 2 गुना दे रहा है। एक्सिस डायरेक्ट ऑप्शन में 0 दे रहा है, अपस्टॉक ऑप्शन में 2 गुना दे रहा है। करेंसी फ्यूचर की बात करें तो एक्सिस डायरेक्ट 0 दे रहा है, अपस्टॉक करेंसी फ्यूचर में 2 गुना दे रहा है। करेंसी ऑप्शन की बात करें तो एक्सिस डायरेक्ट 0 दे रहा है, अपस्टॉक 2 गुना दे रहा है। कमोडिटी में 3 टाइम्स एक्सिस डायरेक्ट दे रहा है, तो अपस्टॉक यहाँ पे 0 मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है। सपोर्ट की बात तो यहाँ पे दोनों ब्रोकर ऑफलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सिस डायरेक्ट यहाँ पे वेब चैटिंग, अपस्टॉक वेब चैटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ टोल फ्री नंबर भी दोनों ब्रोकर प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों कस्टमर बेस की बात करें तो BSE में एक्सिस डायरेक्ट के पास 40,000 से ज़्यादा कस्टमर थे, उसमें से 2 लोगों ने कंप्लेन की थी। वहीं पे अपस्टॉक की बात करें तो BSE में 2021 में 1,43,000 से ज़्यादा कस्टमर थे, उनमें से 7 लोगों ने कंप्लेन की थी। NSE के कस्टमर बेस की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस डायरेक्ट के पास NSE में 2021 में 4,54,000 से ज़्यादा क्लाइंट थे, उसमें से 139 लोगों ने कंप्लेन की थी। वहीं पे अपस्टॉक में NSE में 2021 में 21,41,000 से ज़्यादा कस्टमर थे, उसमें से 862 लोगों ने कंप्लेन की थी। फीस के मामले में यहाँ पे रेटिंग एक्सिस डायरेक्ट को 5 में से 1.5 मिल रहे हैं, अपस्टॉक को यहाँ पे 2.5 मिल रहे हैं। और दूसरे ब्रोकरेज की बात करें तो एक्सिस डायरेक्ट यहाँ 5 में से 1.5 मिल रहे हैं, अपस्टॉक में ब्रोकरेज के मामले से 5 में से 2.5 मिल रहा है। यूजबिलिटी की बात करें तो डायरेक्ट को यहाँ पे 5 में से 2.5 मिल रहे हैं और अपस्टॉक को भी
ढाई मिल रहे हैं पांच में से। कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो डायरेक्ट को यहाँ पे पांच में से ढाई मिल रहे हैं, अप स्टॉक को कस्टमर सपोर्ट यहाँ से पांच में से ढाई मिल रहा है। और लड़ी की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस डायरेक्ट और अप स्टॉक को दोनों ढाई मिल रहे हैं पांच में से। रेटेड की बात करें तो डायरेक्ट को 70 मिल रहे हैं और अप स्टॉक को 110 मिल रहे हैं। मार्जिन यहाँ पे एक्सिस डायरेक्ट दे रहा है, अप स्टॉक है वो मार्जिन के सामने एवरेज है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ओपनिंग चार्जेस के बारे में, तो दोनों ब्रोकर है वो ओपनिंग चार्जेस सिमिलर दे रहे हैं। यहाँ पे नो पैथोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों ब्रोकरों, यहाँ पे कस्टमर ने ये बताया है। डिमेज चार्जेस के मामले में एक्सिस डायरेक्ट गुड है तो अप स्टॉक भी यहाँ पे गुड ही है दूसरे ब्रोकरों की तुलना में। रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे अप स्टॉक का और एक्सिस डायरेक्ट का काफ़ी बढ़िया है। रेटिंग यहाँ पे दोनों के बैड है कस्टमर के हिसाब से। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में चार्जेस, ब्रोकरेज ऑफर, रेटिंग, सर्विस और मार्जिन के बारे में दोनों ब्रोकरों के बारे में जाना। आपको दोस्तों दोनों ब्रोकरों के यहाँ पे दूसरे ब्रोकरों के साथ कंपैरिजन करना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे और भी ब्रोकर है इस मार्केट में, जाओ डिस्काउंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं, ब्रोकरेज हिडन चार्जेस भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी और कस्टमर सपोर्ट अच्छा से अच्छा दे रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को कंपैरिजन करोगे और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से शेयर ज़रूर करोगे।